वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बड़े होंगे, मजे में होंगे और खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सवाज। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं इसकी यार अपडेट लेकर आए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है न्यू डेडली हजारा फोर्स इन अफगानिस्तान रिकैप्चर बहसूद। मतलब अफगानिस्तान में हजारा कोई फोर्स निकल आई है जिसने एक प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट या बहसूद नाम की कोई जगह को कैप्चर फिर से तालिबान से ले लिया है। तो इसमें काफी सुनने में आया, इंडिया भी भाई इनको काफी सपोर्ट कर रहा है और इंडिया में लोग भी कर रहे हैं ताकि डेमोक्रेसी उधर फिर से मतलब बांध सके। और वो पंज शेर की शेर वाली जो बात थी कि उसने हाथ में ला लिया, वो भी खबर झूठी निकली है। और मतलब उसने हाथ शत नहीं मिलाया था, हमें कहानी बनाई गई थी। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या ये भाई कहते हैं, थोड़ी अपडेट है और इसमें इंडिया का क्या रोल है ये पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से हमें पता लगेगा। तो डिफेंस न्यूज का ये वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये ऑसम किस्म के वीडियोस बनाते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि अच्छा हो यार, जो भी और इंडिया जो भी कर रहा है पीस के लिए कर रहा है, क्यों भाई? तो जल्दी अच्छा देखते कोई तो कुछ कर रहा है। हाँ, कोई एक इंडिया ही कर रहा है और तो अमेरिका वगैरह भाग गए। तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाली खबरें यहां पर निकल कर आई हैं। अफगानिस्तान में पहले जहां पंजशीर का शेर हुआ करता था, तो अब हजारिस्तान का एक शेर यहां पर निकल के आया है तालिबान के खिलाफ। और हजारा फोर्सेस ने यहां पर किस तरह से काबुल की ओर चढ़ाई करना शुरू कर दिया है और किस तरह से कब्जा भी किया है एक बहुत बड़े हिस्से पर, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अहमद मसूद की सेना ने भी तालिबान से कब्जा छुड़वाया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारी जानकारी आपको दूंगा। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद ही काफी नहीं थे, तालिबान के खिलाफ एक पूरी लंबी चौड़ी सेना लेकर काबुल पर चढ़ाई करने को निकल चुका है यहाँ पर हजारिस्तान का शेर। जी हाँ दोस्तों, इन कमांडर का नाम है कमांडर अलीपोर और हजारिस्तान करके एक जगह है जहाँ पर हजारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं अफगानिस्तान में। तो इनके जो एक कमांडर हैं कमांडर अलीपोर, और तालिबान जब से यहाँ पर आया है तब से वो क्या क्या कर रहा है ये शायद किसी को बताने की अब जरूरत नहीं है। तो उसी को देखते हुए यहाँ की हजारा फोर्सेस जो कि कमांडर अलीपोर के अंदर है, ये निकल चुकी हैं तालिबान से कब्जे को छुड़वाने और ये हथियार लेकर निकले हैं। तो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोकल लोग ही खुद तालिबान के खिलाफ निकल रहे हैं और एक तरह से यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों काबुल की ओर बढ़ना सारी सेनाओं ने शुरू कर दिया है और कब्जा छुड़वाते हुए एक के बाद एक ये लोग चले जा रहे हैं। और ये जो हजारा फोर्सेस हैं, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बहसूद के एक बहुत बड़े एरिया को तालिबान के कब्जे से छुड़वा लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तालिबान ने कल हजारा कम्युनिटी के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं और अब इनका मिशन है कि ये काबुल की ओर चढ़ाई करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अहमद मसूद की जो सेना है जो कि नॉर्दर्न अलायंस के अंडर लड़ रही है, उसने भी कमाल करते हुए दोसी डिस्ट्रिक्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तालिबानियों को बुरी तरह से मारकर भगाया है इन्होंने। और ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जो कि तालिबान के खिलाफ लड़ रही हैं, ये लगातार यहाँ पर काबुल को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और इस समय पर मोटे तौर पर यहाँ पर 3 जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो काबुल पर चढ़ाई करने की तैयारी में है और काबुल को 3 तरफ से इन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। पहली तो नॉर्दर्न अलायंस के अंदर जो सेना है वो, जिसमें कि अफगानिस्तान की सेना के भी कई जवान शामिल हैं, वो एक तरफ से कब्जा छुड़वाते हुए आ रहे हैं। दूसरे जो है अफगानिस्तानी की जो खुद की सेना थी वो भी आगे बढ़ रहे हैं काबुल की ओर और ये लोग अमरुल्ला सालेह की कमांड पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। अब तीसरी जो सेना है वो कमांडर अलीपोर के अंडर ये जो हजारा सेना है इन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि तालिबान को 3 तरफ से ये लोग घेर रहे हैं और धीरे धीरे ये लोग कब्जा छुड़वाते हुए काबुल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों काबुल पर कब्जा छुड़वाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर एक बार काबुल से तालिबान को हटा दिया जाता है तो फिर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा नहीं माना जाएगा काबुल है ना, क्योंकि काबुल वहाँ की राजधानी है और अगर राजधानी से तालिबान को हटा दिया जाता है तो एक समय को पुरानी स्थिति बहाल हो सकती है। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हुई यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।
तो यार भाई एक बात है, मतलब मेन जो जगह कंधार है, हाँ हैरत है, और मजार शरीफ है, और काबुल है, मतलब काबुल भी चार है। जो मेन हाँ ऐसे समझे जाते हैं, लेकिन हाँ काबुल सबसे ज्यादा है। काबुल तो सबसे हाँ ज्यादा वो वो राजधानी मतलब है, तुम्हें एक पता है इसके कैपिटल है, लिए जब क्या दिखाता है। राजधानी ना हाँ हो तो फिर वो तो फायदा फिर नहीं पीछे क्या होता, रहता है, कुछ भी नहीं। मतलब देखो हाँ जब तक राजधानी थी ना हाँ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास, हाँ उस टाइम तक इनकी गवर्नमेंट थी, सारा कुछ सब कुछ हाँ चला रहे थे। हाँ जैसे ही काबुल वो गया, हाँ अशरफ गनी चला गया, हाँ उसके बाद देखो तालिबान ने काबुल है, और काबुल फुल तब लोगों बहुत को बड़ी पता चीज है, लगा और अब तीन जगहों से घेरना स्टार्ट कर तीन दिया। और जगहों जो से, एक हाँ अमरुल्ला साले कर रहा है यूज, एक वो दूसरे एक कमांड कर रहा है, एक वो शेर का बेटा वो पंज शेर वाला कर रहा है, और एक वो कर रहा है अभी न्यू नाम निकला है, मसूद। हाँ ये अली अली पता नहीं पूर, हाँ अली पूर हजार कमांडर, हजार हजारा हजार कम्युनिटी। हजारा कम्युनिटी तो मतलब ये तीन तरफों से काबुल की तरफ आ रहे हैं, और इसमें भाई एक मुझे जो पॉइंट लगता है ना, इनको बैक हल्का फुल्का इंडिया बिकार है, यार जो इंडिया मेरा बिका, आइडिया, क्योंकि इंडिया इंडिया फिलहाल इस टाइम इंडिया कर रहा है, हाँ क्योंकि उसको इतना पता नहीं, है तो इतना दम कहाँ था भाई कि एकदम असल उठ के में, आए। असल में हाँ उनके पास हथियार ही नहीं हाँ थे, हथियार ही नहीं थे। दूसरी मतलब बात, दूसरी बात ये कि यार ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इसकी बात वजह है ये अपना, है कि यार देखो उन्होंने जुल्म किया बहुत से हाँ लोगों पे, हाँ और मेन बात ये तो है डेमोक्रेसी से को अब फिर से मुझे बहाल जो करना चाहते हैं। हाल लग रही है जिस तरह के हाँ साथ, मतलब दिन ब दिन न्यूज आ रही है ना, हाँ जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बता रहा था हजारा के शेर का, सॉरी पंचखेर का जो शेर था उसको बता रहे थे कि वो उनके साथ मिल गया, डील हो गई उनकी, नहीं उसने एक और इलाका फतह कर लिया है, हाँ मतलब और इलाके पे कब्जा कर लिया उसने, पता नहीं बोला है कि मैं इस तरह, मतलब बात हुई थी लेकिन हमने वो मतलब उनकी तरफ नहीं, नहीं नहीं हुआ। और दूसरी हाँ मेन बात ये है कि यार जब से मतलब ये हाँ सारा कुछ सिस्टम हुआ है, हाँ उसके बाद से ये देखो अब मुख्तलिफ ग्रुप्स निकलने शुरू हो गए। अभी तक मैंने एक चीज नोटिस की है कि तालिबान ने इस पे कोई इतना खास नहीं बोला, रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया, पता नहीं डर गए क्या हुआ है, कुछ अब समझ ये नहीं आ रहा तो सीरियस अभी तक नहीं ले रहे या क्या सीन है ना, अगर ये कुछ लेकिन उन्होंने सीरियस ना लिए तो ऐसा वो होगा कि मतलब वो गले को पड़ जाएंगे, और वो उन्होंने सीरियस लिए हुआ, उन्होंने हाँ अपनी फोर्सेस भेजी हुई है, लेकिन वो हाँ भगा भगा कर हाँ मार रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ अभी जैसे ही वो सारे इकट्ठे हाँ होंगे ना और ग्रुप्स भी निकलने भाई स्टार्ट होंगे। तालिबान में शुरू से आता हुआ है, उनकी गवर्नमेंट आती है तालिबान मतलब इस तरह करते हैं, अफगानिस्तान के साथ हमेशा यही होता है, अफगानिस्तान कहती है कोई और। देखो रशिया के टाइम पे जब गवर्नमेंट हाँ उनकी चली गई थी, जब तालिबान हाँ ने अपना कब्जा किया था, उसके बाद भी काफी साल ये हाँ आपस में लड़ते रहे, हाँ उसके बाद भाई कहते हैं ना है, तालिबान हाँ की गवर्नमेंट आती है, दूसरे अपनी वो सिविल वॉर हो जाता है, हाँ उनकी आती है तालिबान कर देते हैं, तो यार मतलब अफगानी जो लोग हैं बीच में ऐसी पिसते रहे, वही मैं कह रहा हूँ उनको पीस मिलनी चाहिए, इंडिया को कोई ऐसा काम करना चाहिए क्योंकि इंडिया उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, हाँ तो ऐसा कोई काम करे कि मतलब सारा सेट। और अभी तो अफगानिस्तान के लोग खुद निकलना स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत से ग्रुप्स और बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये मुझे तो यही लगता है कि आप इकट्ठा हमला करेंगे, हाँ क्योंकि तालिबान भी बहुत सारे हैं, और हाँ ये तो इतनी तादाद में अभी हाँ नहीं है ना, हाँ जैसे तो ही लोग बनेंगे तब ये सब बात होगी, तो तब जाके यार लोग इकट्ठे कर सकते हैं। सो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है, मेरा कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।